उत्तराखंड की बात करें हम, तो उत्तराखंड में जो सबसे पुरानी नगर पालिका है तो वो नैनीताल को माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम जो अभी हम इन क्लासेस में पढ़ रहे थे वो उत्तराखंड हम पढ़ रहे थे। उत्तराखंड के हमारे दो पार्ट चल रहे हैं, एक तो जो उत्तराखंड की हिस्ट्री है वो अलग है, उसके अलावा इन क्लासेस में हम उत्तराखंड के कुछ मिसलेनियस टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है उत्तराखंड परीक्षा वाणी का, उत्तराखंड का प्रशासनिक अध्ययन, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था कल की क्लास में, वो था उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था। उसी क्लास का जो अगला टॉपिक है हमारा वो है उत्तराखंड में नगर निकाय। दोस्तों अगर नगर निकाय की बात करें तो जिस तरह से हमने पढ़ा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भाग 9 में है, तो उसी तरह से जो नगर निकाय हैं उन्हें भी भाग 9 के ए में शामिल किया गया था। उसके अलावा पंचायती राज जो व्यवस्था थी वो आर्टिकल 243 में थी, तो उसी तरह से जो ये नगर निगम है वो भी आर्टिकल 243 के पी से और 243 के जेड जी तक हैं। तो मतलब कि अब इसमें हम ए पढ़ रहे हैं, उसके अलावा इसमें आर्टिकल के जो सब आर्टिकल है वो पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो नगर निकाय वाला है उस वो मूल संविधान में नहीं था, उसको बाद में वहाँ पर जोड़ा गया था। तो अगर हम भारत में नगर निकाय के विकास की बात करें तो कहा जाता है कि जो मद्रास है, मद्रास भारत का प्रथम नगर पालिका थी, 1687 में इसे नगर पालिका का दर्जा दिया गया था। उसके बाद मतलब कि 1687 से नगर पालिका का गठन होता आ रहा था लेकिन उन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। तो 65वें संशोधन 1987, इस टाइम पर सरकार थी राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने 65वें नंबर का एक संशोधन लाया 1987 में, जिसके तहत वो इस नगर निकाय की जो व्यवस्था है उसे संवैधानिक दर्जा दिलाना चाहते थे, लेकिन जो ये वाला वहाँ पर विधेयक रखा गया ये पास नहीं हो पाया। उसके बाद 74वें संविधान संशोधन 1993, तो इस संविधान संशोधन के द्वारा बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन में 20 अप्रैल को जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा सिग्नेचर कर दिया गया, और उनके सिग्नेचर करते ही ये जो विधेयक था एक बिल या कानून का स्वरूप इसने ले लिया था, और 1 जून 1993 इस दिन से ये पूरे भारत में प्रभावी हो गया था। तो ये तो थी नगर निकाय की हिस्ट्री की किस तरह से इसका भारत में विकास किया गया। अब अगर हम नगर निकायों में देखें तो नगर निकाय भी राज्य सूची का एक विषय होता है, तो इसके तहत हर राज्य को प्रावधान दिए गए हैं, छूट दी गई है कि वो अपने अनुसार नगर निकाय में नियम बना सके। मतलब कि हर जगह नगर निकाय के अलग अलग प्रावधान होंगे, हर राज्य में अलग अलग प्रावधान होंगे। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जब बना था तो उत्तराखंड बनने के साथ जिस तरह से हमने पंचायती राज व्यवस्था में भी देखा था कि जो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के लिए नियम बनाए गए थे वही उत्तराखंड राज्य में भी फॉलो करवाए जा रहे थे, तो उसी तरह से नगर निकाय में भी हुआ कि जो वहाँ पर नगर निकाय अधिनियम 1916, इस अधिनियम के तहत उत्तराखंड में भी ये व्यवस्था लागू की गई जब उत्तराखंड अलग राज्य बन गया था। उसके बाद 2016 में हम कह सकते हैं कि इसमें भी कुछ संशोधन किए गए, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि पंचायती राज व्यवस्था में भी 2016 में कुछ शैक्षिक योग्यताएं उसमें ऐड की गई थी, तो उसी तरह से 2016 में यहाँ पर एक जो मुख्य बात की गई कि जो अगर हम नगर निकाय का सबसे ऊपरी स्तर देखें, अच्छा इसे देख लेते हैं कि नगर निकाय कितने भागों में बटा हुआ है, तो जो नगर निकाय है ये भी पंचायती राज व्यवस्था की तरह 3 भागों में बटा हुआ है। अगर हम सबसे निचला स्तर देखें तो उसे नगर पंचायत कहा जाता है, उसके बाद अगर हम मध्य स्तर देखें तो इसे
नगर पालिका कहा जाता है, और सबसे ऊपरी स्तर देखें तो इसे नगर निगम कहा जाता है। तो 2016 में ही कहा गया कि भाई जो नगर निकाय का प्रमुख व्यक्ति होता है जिसे मेयर कहा जाता है, तो उसे अब मेयर ना कह करके महापौर कहा जाएगा। तो इस तरह से इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। अब हम कह रहे हैं कि हर राज्य के अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं, तो अब हम इन तीनों स्तरों को एक एक करके पढ़ेंगे कि इसमें उत्तराखंड राज्य में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें जो सबसे ऊपरी स्तर है पहले उसे देखते हैं, जिसे कि हम नगर निगम कह रहे हैं। इसे नगर निगम को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। अब नगर निगम के लिए उत्तराखंड सरकार ने प्रावधान किया है कि यदि मैदानी भागों में नगर निगम बनाई जाएगी तो उसकी पॉपुलेशन 1,00,000 से अधिक होनी चाहिए, या 1,00,000 मिनिमम होनी ही चाहिए, और जो पहाड़ है पहाड़ में इसकी जो पॉपुलेशन रखी गई है वो 90,000 रखी गई है। अब बात करते हैं कि सदस्यों की, कि भाई नगर निगम है, नगर निगम में सदस्य कौन होंगे। तो मेयर, उसके बाद आ जाएगा डिप्टी मेयर, उसके बाद आ जाएगा पार्षद, या फिर कई जगह इनको आपका सभासद भी देखने को मिलेगा। तो ये इसके मुख्य सदस्य होते हैं। उसके अलावा एक बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कहा गया 16 अगस्त 2016 को कि जो ये मेयर होगा इस मेयर को महापौर कहा जाएगा, ठीक है। इसका नाम बदल करके मेयर से महापौर कर दिया गया, यहाँ पर डिप्टी महापौर, या तीसरा जो होंगे वो सभासद या पार्षद होंगे। अब देख लेते हैं कि भाई इनका चुनाव किस तरह से होता है। तो अगर मैं मेयर की बात करूँ तो मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब कि जो 18+ होंगे वो लोग वोट दे करके और अपने नगर का एक मेयर चुनेंगे। उसके बाद जो पार्षद होते हैं इनका चुनाव भी 18+ मतलब वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। डिप्टी मेयर की हम बात करें तो डिप्टी मेयर का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सभासदों के द्वारा अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को डिप्टी मेयर चुना जाता है। अब जो अगर हम इनमें देखें कि क्या योग्यताएं रखी गई हैं, तो कुछ वही योग्यताएं हैं कि भाई आयु का हम देख लें, जो हमने पंचायत राज व्यवस्था में देखा था कि आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, उसके अलावा कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके अलावा कि किसी भी नगर की जो नामांकन होगा, निर्वाचन जो लिस्ट होगी उसमें उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ योग्यताएं रखी गई हैं नगर निगम के चुनाव लड़ने के लिए। अब अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में वर्तमान में 8 नगर निगम हैं। पहला देहरादून, दूसरा हरिद्वार, हल्द्वानी, तीसरा रुद्रपुर, रुड़की, काशीपुर और अगला ऋषिकेश और कोटद्वार। तो मतलब कि 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो उत्तराखंड में वर्तमान में हमें 8 नगर निगम देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो ये 8 नगर निगम हैं ये कब कब इस्टेब्लिश हुए। देहरादून 1998, हरिद्वार और हल्द्वानी 2011, रुद्रपुर, रुड़की, काशीपुर 2013, और ऋषिकेश और कोटद्वार 2017 में स्थापित किए गए थे। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे जो पुराना हमारा उत्तराखंड का नगर निगम होगा वो देहरादून होगा, सबसे नए दो हैं ऋषिकेश और कोटद्वार, 2017 में दोनों को नगर निगम घोषित कर दिया गया था। अब अगर हम नगर निगम के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल देखें, तो जो इनका कार्यकाल होगा वो प्रत्येक का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो ये 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। उसके अलावा कि अगर बाय द वे किसी कारणवश कोई भी नगर निगम भंग हो जाती है तो उनके लिए प्रावधान किया गया है कि 6 महीने के अंदर उन्हें चुनाव करवाने अनिवार्य होते हैं।
नगर निकाय का अगर हम दूसरा चरण देखें तो वो है नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पालिका को म्युनिसिपल काउंसिल भी कहा जाता है। अब अगर हम नगर पालिका को देखें तो ये नगर निगम का निचला स्तर है। तो नगर पालिका के सदस्य देखें अगर, तो इसका एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के बाद सभासद। अध्यक्ष का चुनाव देखें तो अध्यक्ष का चुनाव 18+ और सभासद का भी 18+। उसके अलावा जो हमने योग्यताएं पढ़ी वो सब में कॉमन है, मतलब कि वो योग्यता नगर पंचायत में भी होंगी, नगर पालिका में भी होंगी और नगर निगम में भी होंगी। मतलब ए इसका जो क्राइटेरिया वो सब में 21 ही होगा। तो ऐसे बाकी की चीज़ें भी सब में फॉलो की जाएंगी इस तरह से। अब उत्तराखंड की बात करें हम, कार्यकाल देख लेते हैं, इनका कार्यकाल भी होगा 5 वर्ष का। उत्तराखंड की बात करें हम तो उत्तराखंड में जो सबसे पुरानी नगर पालिका है तो वो नैनीताल को माना जाता है। 1850 में नैनीताल को नगर पालिका घोषित कर दिया गया था। उसके बाद वर्तमान में उत्तराखंड में अगर नगर पालिका की संख्या देखें तो ये लगभग 41 है। उसके अलावा नगर पालिका के रिगार्डिंग एक शहर ऐसा है जिसमें कुछ उसके नाम में संशोधन किया गया था। तो 8 दिसंबर 2016 इसमें कहा गया कि जो उत्तरकाशी की नगर पालिका है, इस उत्तरकाशी की नगर पालिका का नाम बदल करके बाड़ाहाट नगर पालिका कर दिया जाएगा। अब उत्तरकाशी का हम एक पुराना नाम देखें तो वहाँ पर उसका पुराना नाम बाड़ाहाट था, इसीलिए 8 दिसंबर 2016 को उत्तरकाशी नगर पालिका का नाम बदल करके बाड़ाहाट नगर पालिका कर दिया गया था। फिर बात कर लेते हैं तीसरे स्टेप की, वो है नगर पंचायत। तो नगर पंचायत सबसे निम्न स्तर माना जाता है किसी नगर निकाय का। इसको अगर हम इस तरह से समझें कि जो इससे पहले हमने पंचायती राज व्यवस्था पढ़ी थी, पंचायती राज व्यवस्था का जो सबसे निम्न स्तर था वो था ग्राम पंचायत। तो ये इस तरफ ऊपर की तरफ बढ़ता है, अर्थात अगर कोई ग्राम पंचायत है उसमें पॉपुलेशन अधिक हो जाती है, वो डेवलप होने लगता है तो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत का विकास होगा तो कन्वर्ट हो जाएगी नगर पालिका में। नगर पालिका में पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसका विकास अधिक होगा, धीरे धीरे उसका शहरीकरण होने लगेगा तो फाइनली वो नगर निगम बन जाता है। तो इस तरह से ही ये अपवर्ड बढ़ती हैं। तो नगर पंचायत हम कह सकते हैं अगर कोई ग्राम पंचायत विकसित हो गया तो उसके बाद वो नगर पंचायत का रूप ले लेता है। ये सबसे निम्न स्तर हम कह सकते हैं, तीसरा स्तर। नगर पंचायत के जो सदस्य होंगे उसमें जो प्रमुख होगा उसे नगर पंचायत अध्यक्ष कहेंगे, और उसके अलावा उसमें नगर पंचायत के जो सदस्य होते हैं उन्हें वार्ड मेंबर भी कह सकते हैं। वार्ड मेंबर, इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब कि 18+ इनमें वोट करेंगे, इसका चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में वर्तमान में जो नगर पंचायत हैं तो उनकी संख्या है 43 को अगर हम डिवाइड करें तो 40+3 किया गया है, 3 में बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, ये 3 नगर पंचायत ऐसे हैं जिनमें चुनाव नहीं होते। इनमें सदस्य जो है, जो भी इनके मेंबर्स होंगे वो मनोनीत किए जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई जो 40 नगर पंचायत हैं उनमें ही चुनाव करवाए जाएंगे। जो नगर पंचायत है, नगर पंचायत को हम कह सकते हैं सिटी काउंसिल, ये इसको इंग्लिश में कहा जाता है। उसके अलावा जो इनका कार्यकाल होता है वो भी 5 वर्ष का होता है। तो इस तरह से जो नगर निकाय प्रणाली है उस पर हमने 3 चरण पढ़े, और उत्तराखंड में किस तरह से उसका विकास हुआ, कैसे कैसे वो बनाए गए, कौन कौन से उनमें सदस्य होते हैं, उनका चयन कैसे होता है, वो हमने नगर निकाय में पढ़े हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लासेस समझ में आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।